माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के वीडियो में हम सीखेंगे सम फंक्शन की 5 अमेजिंग ट्रिक्स। यहां पर देखिए, ये हमारे पास एक डेटा सेट है, इसमें सिटी वाइज सेल्स वैल्यूज दी गई हैं। इन ब्लैंक रोज में हमें यहां पर इन सेल्स वैल्यूज का सम करना है। अब यदि हम यहां पर सम फंक्शन द्वारा एक एक का सम करेंगे तो इसमें हमारा काफी समय लग जाएगा, तो इसको हम जल्दी से कैसे करेंगे। डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो गो टू की विंडो यहां पर ओपन हो जाएगी। अब यहां स्पेशल पर क्लिक करेंगे और यहां ब्लैंक्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहां से ओके करेंगे तो सभी ब्लैंक सेल्स यहां पर सिलेक्ट हो जाएंगी। अब यहां पर हम ऑटो सम के लिए ऑल्ट प्रेस करके इक्वल प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर सभी वैल्यूज के सम यहां ब्लैंक रोज में हो गए हैं। यहां पर देखिए, हमारे पास मल्टीपल वर्कशीट्स हैं, इन सभी में सेल्स वैल्यूज दी गई हैं, ये आप यहां पर देख सकते हैं। यहां समरी वाली शीट पर हमें इन सभी सेल्स वैल्यूज का सम करना है, तो इसके लिए हम सम फंक्शन का कैसे उपयोग करेंगे देखिए। सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, सम टाइप करेंगे, डबल क्लिक करेंगे यहां पर। अब यहां पर हम ये फर्स्ट शीट पर आ जाएंगे और जिस कॉलम में सेल्स वैल्यूज हैं उस कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर देंगे यहां से। ये आप देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट शीट में कॉलम ए सिलेक्ट हो गया है। अब शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और लास्ट वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे। हमारी लास्ट वर्कशीट है पटना, इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये सभी वर्कशीट यहां पर सिलेक्ट हो गई हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सम फंक्शन में लखनऊ से पटना तक की सभी सीट्स में कॉलम ए कंप्लीटली सिलेक्ट हो गया है। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं सभी वर्कशीट का सम यहां पर हो गया है। यहां पर देखिए, ये हमारे पास एक शेप है जिसमें इन नंबर्स का सम किया गया है। यहां पर जो भी चेंजेस हम करेंगे वो यहां इस सम में अपडेट हो जाएगा। जैसे हम यहां पर 4 की जगह कर देते हैं 400, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सम यहां पर अपडेट हो गया है। तो शेप में या किसी ऑब्जेक्ट में या इमेज में सम कैसे करेंगे देखिए। इसको फिलहाल के लिए हम यहां से डिलीट कर देंगे और यहां इंसर्ट पर जाएंगे और यहां से कोई शेप ले लेंगे। यहां पर हम ये ओवल शेप ले लेते हैं और यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें हमें इन नंबर्स का सम करना है। कलर यहां पर आप अपनी चॉइस से रख सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम यहां पर किसी एक सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें इक्वल प्रेस करेंगे और डबल कोटेशन का साइन लगाएंगे और टाइप करेंगे टोटल स्पेस इज, कॉलन लगाएंगे, स्पेस डबल कोटेशन क्लोज करेंगे और यहां पर कॉन्कैटिनेट के लिए एम्परसेंट का साइन लगाएंगे और अब यहां पर सम फंक्शन अप्लाई करेंगे। इन नंबर्स वाली रेंज को हम यहां पर सिलेक्ट कर देंगे जिनको हमें सम करना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर सम आ गया है। तो इसी तरह से यहां इस शेप में लिखा हुआ आ जाएगा। इसके लिए हम यहां इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहां फॉर्मूला बार में क्लिक करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और जिस सेल में हमने सम किया है उस सेल को सिलेक्ट कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो सम हमने यहां इस सेल में किया था वो यहां इस शेप में अपडेट हो गया है। सेंटर में इसको अलाइन कर लेंगे, फॉन्ट कलर करेंगे व्हाइट, इस तरह से यहां से सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसके फॉन्ट को कर देंगे व्हाइट तो ये हाइड हो जाएगी। यहां पर देखिए, ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनमें कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं और कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं। हमें यहां पर क्या करना है, जो पॉजिटिव नंबर है उनका टोटल यहां पर करना है और जो नेगेटिव नंबर है उनका टोटल यहां पर करना है। यानी जो नंबर्स 0 से ज्यादा हैं उनका टोटल यहां पर और जो नंबर 0 से कम है यानी नेगेटिव है उनका सम यहां पर करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे
सम टाइप करेंगे, ये देखिए सम फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। अब यहां पर हम एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे और इन रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और जीरो टाइप करेंगे, क्योंकि अभी हम यहां पर सम कर रहे हैं जीरो से बड़ी वैल्यूज का, यानी पॉजिटिव नंबर्स का। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम रेंज से, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन के लिए एस्टरिस्क का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर से इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सम फंक्शन के लिए भी हम यहां पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखिए हमें यहां पर एंटर नहीं करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो वैल्यूज इसमें जीरो से बड़ी हैं यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका सम यहां पर आ गया है। इसी तरह से हम यहां पर नेगेटिव नंबर्स का सम कर सकते हैं। इक्वल प्रेस करेंगे, सम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और इस बार हम यहां पर साइन लगाएंगे लेस देन का, जीरो टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन और इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, सम फंक्शन के लिए भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहां पर नेगेटिव वैल्यूज का सम आ जाएगा। यहां पर भी हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जिनमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज हैं और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज हैं। हमें यहां पर एब्सोल्यूट सम करना है, एब्सोल्यूट यानी सभी को पॉजिटिव नंबर्स की तरह सम किया जाए। अभी हम यहां पर यदि इनका सम करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर प्लस माइनस करके वैल्यू 34 आई है, ये एब्सोल्यूट सम नहीं है। तो एब्सोल्यूट सम कैसे करेंगे? पहला तरीका तो ये है कि हम इन नंबर्स को एब्सोल्यूट कर लें, इसके लिए एबीएस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो यहां पर हम इक्वल प्रेस करेंगे, एबीएस टाइप करेंगे, एबीएस फंक्शन नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। अब इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहां से इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे तो एबीएस फंक्शन ने सभी नंबर्स को एब्सोल्यूट कर दिया है। अब यहां पर किसी भी नंबर में नेगेटिव का साइन नहीं है। अब यहां पर हम इजीली सम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ये आप यहां पर देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम सम फंक्शन के साथ एबीएस फंक्शन का उपयोग कर लें। इस सेल को सिलेक्ट किया, इक्वल सम। अब यहां पर हम एबीएस फंक्शन सम फंक्शन के अंदर अप्लाई करेंगे, इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सम फंक्शन के लिए भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहां पर भी हमें एंटर नहीं करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर एब्सोल्यूट सम हो गया है। तो ये थे सम फंक्शन की 5 अमेजिंग ट्रिक्स। आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।